हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, डीजे सर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे भारतीय इतिहास की, और भारतीय इतिहास के अंतर्गत हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे तुगलक वंश। क्या पढ़ रहे थे भाई? दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत हमारा जो चल रहा था तुगलक वंश की जिक्र कर रहे थे। तुगलक वंश में हमने पढ़ा था, सबसे पहले तो गयासुद्दीन तुगलक पढ़ा था, फिर मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा था, और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे प्यारे दोस्तों। मोहम्मद बिन तुगलक तक हमने चर्चाएं कर ली थी, इसके बाद जो आता है, इसके बाद जो शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, कौन बनता है भाई? फिरोज तुगलक। कौन बनता है भाई? यहाँ पर जो जिक्र करने जा रहे हैं आप, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक की बात करने जा रहे हैं भाई, फिरोज शाह तुगलक, या फिरोज तुगलक की बात करें। और इसका जो शासनकाल देखने को मिलता है हमें, देखने को मिलता है भाई 1351 से लेकर 1388 तक। कहाँ तक? इसका शासनकाल 1351 से लेकर 1388 तक ये शासन कर, कहाँ तक शासन कर? 1388 शासन करता है। चलिएगा आगे बात करते हैं, सबसे पहले क्या क्या चर्चाएं करते हैं इसके बारे में। फिरोज तुगलक की बात करें तो प्यारे दोस्तों, इसका बचपन का नाम कमालुद्दीन फिरो था। क्या था? कमालुद्दीन फिरोज था इसका बचपन का नाम। बचपन का नाम किसकी बात करें? बचपन के नाम, बचपन बचपन का नाम कमालुद्दीन। क्या था? कमालुद्दीन कमालुद्दीन हीरो या फिरोज था, क्या? फिरोज, ठीक है, कमालुद्दीन फिरो इसका नाम था दोस्तों। चलिएगा और जिक्र करें, कमालुद्दीन की बात करें तो कहा जाता है कि कमालुद्दीन एक ऐसा शासक था प्यारे दोस्तों, जो कई सारे नाम इसके मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकबर के समान इसकी कुछ नीतियां होने के कारण कहा जाता है कि इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहकर संबोधित किया जाता है। और बात करें राज्य का अपहरण या अपहरणकर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्य का अपहरणकर्ता भी कहा जाता है। अपहरण करना का मतलब क्या है? प्रकार से शासन व्यवस्था की इसने पूरा का पूरा राज्य अपने सानिध्य में ले लिया। इस तरीके से शासन व्यवस्था बहुत अच्छा शासक हुआ है भाई देखने को। और चर्चाएं करें तो कहा जाता है कि सच्चा मुसलमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसका? इसको सच्चा मुसलमान कहकर संबोधित किया जाता है। और इसको कहा जाता है कि किसके? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का अग्रगामी माना जाता है। का अग्रगामी माना जाता है, सिकंदर लोदी का अग्रगामी माना जाता है। और बात करें यहाँ पर जो औरंगजेब का अग्रगामी भी कहा जाता है, का सिकंदर लोदी का अग्रगामी और औरंगजेब का अग्रगामी माना जाता है। तो माना जाता है भाई फिरोज तुगलक। चलिए तो ये उपनाम की बात करें, क्या क्या उपनाम है इसके? उपनाम, ये तो बचपन का नाम हो गया। उपनाम की बात करें तो इसे सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है। अकबर कहा जाता है, सल्तनत कालीन अकबर कहकर संबोधित किया जाता है। और ऐसा कहने वाले कौन है प्यारे दोस्तों? इसको जो कहने वाले हैं, हेनरी द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया भाई? इतिहासकार हेनरी द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? हेनरी, हेनरी द्वारा इसको क्या कहा गया? सल्तनत कालीन अकबर कहा गया। किसको? फिरोज तुगलक को। उसके पश्चात बात करें तो राज्य का अपहरणकर्ता कहा जाता है, ये हेग के द्वारा कहा गया। राज्य का अपहरणकर्ता, अपहरण करता, ऐसा कहने वाला कौन था? हेग था। कौन था भाई? हेग था। और इसके द्वारा इसको कहा गया था। और चर्चाएं करें, सच्चा मुसलमान कहने वाला था, बरनी था, दिल्ली का प्रथम आदर्श सुल्तान भी कहा जाता है इसे। दिल्ली का प्रथम आदर्श सुल्तान कहा जाता है, सुल्तान भी कहते हैं। और किसने कहा? बरनी ने कहा। किसने कहा भाई? बरनी ने कहा। और बात करें तो इसको ही क्या कहा था अभी?
सच्चा मुसलमान, और सच्चा मुसलमान भी किसने कहा था? बरनी ने कहा था। सच्चा मुसलमान, सच्चा मुसलमान ये भी कहने वाला कौन था? बरनी था। किसके द्वारा कहा गया था भाई? ये भी बरनी द्वारा कहा गया था। और चले तो सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी अग्रगामी सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी ये मजूमदार के द्वारा कहा गया था। मजूमदार ये कौन कहता है भाई? मजूमदार। तो इसे क्या का बचपन का नाम कमालुद्दीन फिरो था। इसे कहा जाता है कि सल्तनतकालीन अकबर कहा जाता है, राज्य का अपहरणकर्ता कहा जाता है, दिल्ली का प्रथम आदर्श सुल्तान कहा जाता है, सच्चा मुसलमान कहा जाता है, और सिकंदर लोदी का क्या कहा जाता है? अग्रगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? सिकंदर लोदी का अग्रगामी कहा जाता है, सिकंदर लोदी का अग्रगामी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है इसके बारे में, कि फिरोज शाह तुगलक के बारे में या फिरोज तुगलक के बारे में देख और चर्चाएं करें। अब जो हमें जानकारी मिलती है प्यारे साथियों, क्या क्या जानकारी मिलती है? सल्तनत काल का धर्मांध व्यक्ति भी कहा जाता है इसे। एक और चीज ध्यान रख लेना, सल्तनत काल का, सल्तनत काल का धर्मांध व्यक्ति, धर्मांध व्यक्ति ठीक है, ये भी कहा जाता है। ये सारे नाम किसके द्वारा? ये भी मजूमदार के द्वारा कहा गया था। ये सारे नाम किसके लिए प्रयोग में किए जाते हैं? फिरोज तुगलक के लिए। चलिए नेक्स्ट चर्चाएं करते हैं प्यारे साथियों, क्या क्या कंडीशन मिलती है कि यही तकाबी ऋण को समाप्त कर देता है। तो तकाबी ऋण को समाप्त करने वाला ये शासक माना जाता है। इसके द्वारा कहा जाता है कि दो बार राज्याभिषेक करवाया गया इसके द्वारा, अर्थात फिरोज तुगलक ने दो बार राज्याभिषेक करवाया। कितनी बार राज्याभिषेक करवाया भाई? दो बार राज्याभिषेक करवाया। और कहा जाता है कि ये जो पहली बार तो जो ठट्टा में करवाता है, सिंध के ठट्टा में अपना राज्याभिषेक करवा लेता है, और फिर दोबारा कहाँ पर? दिल्ली में आकर करवाता है। कहाँ पर करवाता है भाई? दोबारा पुनः राज्याभिषेक करवाता है। कहाँ पर? दिल्ली में आकर करवाता है। चलिएगा, यह दो बार राज्याभिषेक करवाता है, यह दो बार राज्याभिषेक करवाता है। कितनी बार राज्याभिषेक हुआ इसका? इसका दो बार राज्याभिषेक हुआ। पहली बार फर्स्ट टाइम की बात करें, कहां पर? थट्टा में। कहां पर करवाता है भाई? थट्टा में। थट्टा कहां पर पड़ता है? सिंध में। थट्टा सिंध में करवाता है। और दूसरी बार कहां पर करवाता है? दिल्ली में। कहां करवाता है भाई? दिल्ली में राज्याभिषेक करवाता है, याद रखिएगा। और कहा जाता है कि यहाँ पर कहा जाता है मार्च 1351 में करवाता है, और उसके पश्चात अगस्त 1351 में करवा लेता है। कब करवा लेता है? यहाँ पर मार्च 1351 की बात करें, यहाँ पर अगस्त 1351 की बात करें ठीक है। यहाँ पर जो दिल्ली में कब करवाता है? दिल्ली में अगस्त 1351 में करवाता है। और थट्टा में, सिंध के थट्टा में जो करवाता है प्यारे दोस्तों, वो कब करवाता है? मार्च 1351 राज्याभिषेक करवाता है। कि दो बार, कितनी बार करवाता है भाई? दो बार राज्याभिषेक। कितनी बार? दो बार ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना है, दो बार राज्याभिषेक करवाता है। कौन करवा जाए? फिरोज तुगलक ठीक है। तकाबी ऋण को समाप्त कर दिया था, जो किसानों पर लगाया जाता था। किस पर लगाया जाता था? किसानों पर लगाया जाने वाला तकाबी ऋण समाप्त कर दिया था इसके द्वारा। और इसी के द्वारा तकाबी ऋण ही नहीं, कहा जाता है कि विशेष प्रकार से 24 प्रकार के कर समाप्त किए गए थे। इस टाइम पे जनता से 24 प्रकार के कर लगाए जाते थे, जिसके बारे में कहा जाता है सारे कर समाप्त कर दिए। और ये कहा करता था कि जो शरीयत यानी कि मुस्लिम कानून, जो कि ईरान, जो
कुरान में लिखा हुआ है उसके अनुसार ही मैं कर वसूल करूंगा। और कहा जाता है ये चार प्रकार के कर वसूल करता था। कितने प्रकार के कर वसूल करता था भाई? चार प्रकार के। इसने सारे और बिना काम के सारे कर हटा दिए थे। किसके द्वारा? फिरोज तुगलक के द्वारा। ये जनता को इतना प्रेम करता था कि जनता के लिए पूर्ण रूप से, वास्तविक रूप से अगर देखा जाए, वैसे तो प्रयास तो किसने किया था? प्रयास तो के द्वारा कर लिया गया था, गयासुद्दीन के द्वारा भी किया, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी किया, लेकिन वास्तविक रूप से जब देखा जाए तो नहरों का निर्माण करवाने का श्रेय इसी को जाता है, फिरोज तुगलक को जाता है। किसानों का बहुत चहेता शासक माना जाता है। किसानों के विषय विभिन्न प्रकार के जो कर थे उनको माफ करने के पश्चात ही क्या करता है, एक मात्र चार प्रकार के कर लगा जाता है। क्या करता है भाई? चार प्रकार के कर लगाने का कार्य करता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो ध्यान रखना है किसानों से लिया जाने वाला तकाबीकरण समाप्त कर देता है, तकाबी ऋण को समाप्त कर देता है जो किसानों से लिया जाता था, जो किसानों से लिया जाता था, से लिया जाता था भाई, किसानों से लिया जाता था तकाबी ऋण समाप्त कर देता है। कौन कर देता है भाई? फिरोज तुगलक। 24 प्रकार के कर समाप्त कर दिए इसने, 24 प्रकार के कर समाप्त कर दिए, कर दिए। इसके द्वारा चार प्रकार के कर लिए गए। प्रकार के भाई? चार प्रकार के। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि जो शरीयत या कानून, जो मुस्लिम कानून में लिखा हुआ है, उन्हीं करों को यहाँ पर ये लेने का कार्य करता है और बाकी समस्त क्या कर देता है, ये करों को समाप्त कर देता है। कौन कर देता है भाई? ये फिरोज तुगलक के द्वारा इनको समाप्त कर दिया जाता है। चलिए कौन कौन से कर है, चार प्रकार के करों का जिक्र करते हैं। चलिए बेटा सबसे पहले बात करें चार प्रकार के कर। कौन कौन से हैं यहां पर देखेंगे? तो पहले पहला खराज। खराज ये लगान के रूप में कृषि भूमि पर वसूल किया जाता था। क्या? एक प्रकार का लगान। लगान फिल्म मूवी देखी आपने, अंग्रेजों द्वारा लगान ली जाती थी, यानी कि कृषि पर जो लिया जाता था वो कौन सा कर कहलाता था? लगान। ठीक है, ये खराज कहलाता था। क्या कहलाता था? खराज। दूसरी बात करें जजिया। कौन सा प्यारे दोस्तों? जजिया कर, जजिया कर। तीसरी बात करें, कहा जाता है जकात। क्या? जकात। और चौथा जो कर था वो था आपका कौन सा था प्यारे दोस्त? खम्स। कौन सा था? खम्स। खम्स, जजिया, खराज, जजिया, जकात और खम्स। ये चार प्रकार के कर किससे लिए जाते थे? जनता से लिए जाते थे। बाकी सब प्रकार के करों आप तो कर देता है। ये एक प्रकार का लगान जो भूमि पर लिया जाता था, भूमि पर, भूमि पर लगान लिया जाता था। क्या लिया जाता था? लगान के रूप में, के रूप में लिया जाता था। यानी टैक्स था ये जो राजा के द्वारा वसूल किया जाता था, भूमि पर लगान के रूप किया जाता था जो इसके द्वारा। जजिया कर ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, गैर मुस्लिम से, मुस्लिम से लिया जाने वाला, लिया जाने वाला धार्मिक कर। धार्मिक कर कैसा करता था अभी? जजिया धार्मिक कर था। आपको पता है सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, लगाया था सिंध के ऊपर, या सिंध के ऊपर कहा जाता है कि इसको
सबसे पहले उसने लगाने का कार्य किया था, और कहा जाता है कि यहाँ पर जो लगाने का अब जो कार्य किया जाता है इसके द्वारा किया जाता है, भाई ये जो कार्य किया जा रहा है ये जजिया कर लगाने का कार्य इस द्वारा किया जाता है, फिरोज द्वारा, और ये मुख्य रूप से जकात। नेक्स्ट बात करें जकात की, ये जजिया कर हो गया। जकात ये मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, कि मुस्लिमों से लिया जाने वाला कौन सा करता भाई, धार्मिक करता जो मुस्लिम से लिया जाता था या मुस्लिम से लिया जाता था, मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो भूमिका जो लगान वसूल किया जाता था उसे क्या कहा जाता था, खराज। और उसके बाद जो जजिया है, जजिया कर क्या होता था, जजिया कर हुआ करता था गैर मुस्लिमों से धार्मिक कर वसूल किया जाता था उसे जजिया कर कहा जाता है। जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला कौन सा है, धार्मिक कर था। पर और खम्स की बात करें तो खम्स कहा जाता है कि ये जो लूट का माल होता था, युद्ध में जाते थे तो में कहीं भी जाते थे लूट का माल होता था, लूट के माल का 1/5 भाग शासक को देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था। यानी कि 4 जने वे लूटने के लिए गए, 4 जने लूटने के लिए गए तो कहीं कहीं से युद्ध में गए, युद्ध लड़ने के लिए गए, युद्ध में हमें प्राप्त हो गया भाई 100 रुपये प्राप्त हो गए, कितने हो गए 100 रुपये प्राप्त हो गए, तो उसका 1/5 भाग, 1/5 भाग तो किसको देना पड़ेगा, आपको राजा को देना पड़ेगा, और बाकी के जो बचे हैं उसमें से आप युद्ध में जो भी सेनापति है सारे पांति पार लेते, यानी कि अलग अलग कर लिया करते थे। तो इसमें क्या है कि युद्ध में जाने के बाद वहां से जितना भी लूट का माल प्राप्त होता था उस माल में से क्या किया जाता था, उस माल में से 1/5 भाग किसको देना था, युद्ध से मिला हुआ माल का राजा को देना पड़ता था या सुल्तान को देना पड़ता था, ठीक है, तो वो कहलाता है ये खम्स। युद्ध युद्ध में लूटे हुए धन में से कुछ भाग को सुल्तान या राजा को देना पड़ता था, को देना पड़ता था सुल्तान को देना पड़ता, सुल्तान सुल्तान को देना पड़ता था, ठीक है। ये इस प्रकार से ये कितने प्रकार के 4 कर हो गए, अर्थात ये कुरान के आधार पर 4 करों का जिक्र को मिलता है, अर्थात कुरान के आधार पर ये शरीयत के अनुसार कहा जाता है इन्हीं करों को लगाने का कार्य करता है, कौन करता है भाई, तुगलक के बाकी के समस्त कर इसने द्वारा हटा दिए गए थे, हटा देने के पश्चात क्या करता है प्यारे दोस्तों, ये ब्राह्मणों से भी कर लेने वाला या जजिया कर वसूलने वाला प्रथम शासक माना जाता है। इनसे भाई ये ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला प्रथम शासक माना जाता है कौन, फिरोज तुगलक। और बात करें कहा जाता है कि भारत में नहरों का निर्माण इसी के द्वारा, चलिए सबसे पहले तो यहां लिख देता हूं मैं, नोट लगाकर लिख लेना, ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला, जजिया कर वसूलने वाला प्रथम शासक था, प्रथम शासक था कौन था भाई, फिरोज तुगलक, कौन था भाई, फिरोज तुगलक, ये वसूलने वाला प्रथम शासक था कौन, फिरोज तुगलक। ब्राह्मणों पर भी कहा जाता है कि ब्राह्मणों पर कर नहीं लगाए जाते, क्यों तो नहीं लगाए जाते थे, कहा जाता है कि इनके पास भूमि हुआ करती थी कि ज्ञान देने ज्ञान लेने का काम से। तो लेकिन सबसे पहले ब्राह्मणों से भी इसके द्वारा कौन सा कर वसूल किया गया, जजिया कर वसूल किया गया भाई। चलिए और बातें कर, तो फिरोज तुगलक के बारे में और चर्चाएं करें तो मेरे दोस्त करवाने वाला शासक का निर्माण करवाया, इसी के द्वारा नहरों का निर्माण करवाया गया, और निर्माण नहरों के निर्माण के पश्चात सिंचाई पर हब्स ए क्या हब्स ए सर्ब कर लगाया, इसके द्वारा सिंचाई पर नहरों का निर्माण, भारत में नहरों का निर्माण इसके द्वारा कराया गया। तो भारत में
भारत में नहरों का निर्माण फिरोज तुगलक द्वारा करवाया गया? एफ टी देता हूँ मैं सूट, फिरोज तुगलक द्वारा करवाया गया, ठीक है। नहरों का निर्माण वास्तविक रूप से, देखिए ये वास्तविक रूप करवाया जाता है, सिंचाई पर, और नहरों से सिंचाई की जाती थी। नहरों पर सिंचाई करने के बाद अब से है सर्व जो सर्व कर लगाया जाता है सिंचाई पर, सिंचाई पर अब से है सर्व, अब से सर्व कर लगाया, कर लगाया किसके द्वारा लगाया गया भाई? ये भी फिरोज तुगलक के द्वारा, किसके द्वारा लगाया गया? एफटी के द्वारा, फिरोज तुगलक के भाई, फिरोज तुगलक एफटी के द्वारा लगाया गया। अब क्या कंडीशन होती है प्यारे दोस्तों, यहां पर बात करें, जमींदारी इक्का प्रथा को पूरा पुनः प्रारंभ कर दिया गया, और कहा जाता है कि जमींदारी या इक्का प्रथा को पुनः प्रथा पुनः प्रारंभ करने के पश्चात इसको समाप्त कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। जब समाप्त कर दिया जाता है तो उसको पुनः प्रारंभ करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पर फिरोज तुगलक के द्वारा। जमींदारी अर्थात इक्का प्रथा क्या होती है? किसी भी सैनिक को कहा जाता है भूमि का एक टुकड़ा दे दिया जाता, क्या दे दिया जाता था? वेतन के रूप में उसे भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। कोई भी युद्ध में गया तो उसके उपलक्ष्य में किसी प्रकार से उसे भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था, उसमें वो खा सकता था, या फिर देखा जाए तो वेतन देना क्या कहलाता है? इक्ता प्रथा कहलाता है, या जमींदारी कहलाता है, ठीक है। चलेगा, जमींदारी जमींदारी प्रथा या जमींदारी या एकता का प्रणाली को पुनः प्रारंभ किया गया, पुनः प्रारंभ किया, किसने समाप्त कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, एक अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त कर दिया था, समाप्त कर दिया था। याद रखना, किसने समाप्त कर दिया था जमींदारी प्रथा को? अलाउद्दीन समाप्त कर दिया था, लेकिन इसे पुनः प्रारंभ के द्वारा किया गया भाई, के द्वारा पुनः प्रारंभ किया गया, ये जो फिरोज तुगलक के द्वारा आ गया। चलिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं इक्का प्रथा को, ठीक है, पुनः प्रारंभ किया गया। अब बात करते हैं कि इसके द्वारा क्या क्या निर्माण करवाए गए, और शहरों का निर्माण कहाँ कहाँ पर प्रकार से कौन कौन से शहर बसाए गए। तो यहाँ पर कौन कौन से शहरों का निर्माण किया गया सब कर रहे, तो फतेहाबाद का, फतेहाबाद इसी के द्वारा बसाया जाता है, और अपने नाम का फिरोज के नाम पर फतेहाबाद नाम रखा जाता है। फतेहाबाद इसको इसके द्वारा बसाया जाता है, और फिरोजाबाद या बात करें तो फिरोजाबाद भी इसी के द्वारा बसाया जाता है। कौन सा? फिरोजाबाद नगर जो दिल्ली के पास पड़ता है, दिल्ली में ही है प्यारे दोस्तों, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र माना जाता था प्राचीन समय। हिसार इसके द्वारा बसाया गया, जौनपुर इसके द्वारा बसाया गया, हिसार हरियाणा में पड़ता है, जौनपुर पड़ता है, और उसके बाद फिरोजपुर, ये सारे नगर किसके द्वारा बसाए जाते हैं? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो लिखें, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज तुगलक द्वारा बसाए गए शहर, बसाए गए शहर, ठीक है, कौन कौन से शहर? सबसे पहले बात करें ये कि
निर्माण का इसको बसाता है भाई, ये फतेहाबाद को बसाता है, फतेहाबाद, फतेहाबाद बसाता है। उसके बाद दूसरी बात करें, फिरोजाबाद बसाता है, फिरोजाबाद फिरोजाबाद दिल्ली कहाँ पड़ता है ये। और उसके पश्चात बात करें तीसरे नंबर का, फिरोजाबाद के बाद जौनपुर, जौनपुर ठीक है। चौथे नंबर पर हिसार, और पांचवें नंबर पर फिरोजपुर, फिरोजपुर ये सारे नगर के द्वारा बसाए गए, ये नगर बसाए गए भाई, ये सारे नगर बसाए गए फिरोज तुगलक के द्वारा, फिरोज तुगलक द्वारा के बसाए गए, फिरोज तुगलक द्वारा ये बसाए गए नगर माने जाते हैं। और कहा जाता है कि यही फिरोज तुगलक का चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ये सारे नगर किसके द्वारा, फिरोज द्वारा बसाए जाते हैं। अब कहा जाता है कि इसी के द्वारा, फिरोज तुगलक के द्वारा दारुल सफा विभाग की स्थापना की जाती है। दारुल सफा अर्थात निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, यानी कि सफा खाना जिसे कहते हैं आपको हॉस्पिटल, तो निःशुल्क हॉस्पिटल की जाती है, उस टाइम पे ही कर दी गई थी। और अभी मुख्यमंत्री दवा योजना है, कहा जाता है कि दवाइयाँ भी या दारुल सफा जो कहा जाता है कि एक सफा खाना या हॉस्पिटल हुआ करता था उसकी टाइम पे द्वारा कर दी गई थी भी, कि निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था फिरोज शाह तुगलक द्वारा या फिरोज द्वारा कर दी गई थी उस टाइम पे। चलिएगा और बात करते हैं टोबरा और दिल्ली, टोबरा और मेरठ अभिलेख को कहाँ पर लाता है, दिल्ली लाता है और दिल्ली में लाकर स्थापित करो। टोबरा और मेरठ कहाँ लाता है, दिल्ली लाता है और दिल्ली लाकर यहाँ करवा दिया जाता है। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर बात करें कौन से विभाग की स्थापना की जाती है, दारुल सफा विभाग, दारुल सफा विभाग क्या था भाई, निःशुल्क चिकित्सालय था, क्या था, दारुल सफा विभाग स्थापना के द्वारा, एफटी के द्वारा यानी फिरोज तुगलक द्वारा की गई, द्वारा की ठीक है। ये क्या था, ये एक निशुल्क, क्या था भाई, निशुल्क, निशुल्क चिकित्सालय था, क्या था ये, निशुल्क चिकित्सालय था, क्या था भाई, निःशुल्क चिकित्सालय था जो कहा जाता है उस समय इसके द्वारा स्थापित कर दिया गया। टोबरा और टोबरा और मेरठ से अशोक के दो स्तंभों को लाकर कहां पर या अभिलेखों को लाकर कहां स्थापित करवा दिया जाता है, दिल्ली में लाकर स्थापित करवा दिया जाता है। किस किस की बात करें भाई, एक तो टोबरा, टोबरा व दिल्ली मेरठ, मेरठ से अशोक के अभिलेखों को अशोक के अभिलेखों को दिल्ली और मेरठ से अशोक के अभिलेखों को लाकर दिल्ली में स्थापित करवाता है, कहाँ स्थापित करवाता है भाई, दिल्ली में स्थापित करवाता है, इसके द्वारा करवाया जाता है, ये करवाया जाता है अपने के द्वारा भाई, फिरोज तुगलक के द्वारा, कौन करवाता है, फिरोज तुगलक के द्वारा। कहा जाता है अनाथ मुस्लिम महिलाओं का, विधवाओं का और लड़कियों की सहायता के लिए से इसने दीवान ए
खैरात विभाग की स्थापना की थी। अनाथ महिलाएं, अनाथ मुस्लिम आ जाता है, अनाथ लड़की और जो विधवा महिलाएं हैं के लिए कान एक खैरात विभाग की स्थापना की और इसी के द्वारा उनका लालन पालन किया जाता कि महिला उनका जो लड़कियां हैं जो कोई माँ बाप नहीं होते उनका विवाह करवाता। वो कई सारे इसके अच्छे अच्छे गुण है भाई, उनको गिनाया तक नहीं जाता, इतने अच्छे अच्छे कार्य इसके द्वारा किए जाते, द्वारा फिरोज तुगलक के द्वारा किए। तो अनाथ महिलाओं विधवाओं चलेगा ध्यान रखिएगा यहाँ पर अनाथ मुस्लिम महिलाओं विधवाओं विधवाओं तथा के द्वारा प्यारे दोस्तों एवं लड़कियों की सहायता के लिए एवं सहायता के लिए लड़कियों की सहायता के लिए दीवान ए खैरात दीवान ए खैरात दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की। दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की अर्थात ये के लिए लड़कियों के लिए इनकी सहायता करने के लिए हुआ करता था। सल्तनतकालीन मुसलमानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या इसी के शासनकाल में थी। सल्तनतकालीन के जितने भी मुस्लिम शासक हुए हैं टाइम पे कहा जाता है सर्वाधिक दास रखने था के बारे में कहा जाता है इसके पास 180,000 दास कितने थे भाई 180,000 दास रखा करता था। उनका लालन पालन किया करता था, दासों का शौकीन था। और कहा जाता है दास इसके याद रखना। तो सल्तनत काल में सर्वाधिक पर ध्यान क्या रखना है सल्तनत काल में सर्वाधिक दासों की संख्या 180,000 180,000 दासों की संख्या सल्तनत काल में सर्वाधिक दासों की संख्या फिरोज तुगलक के समय में थी। ठीक है, क्या इसके शासन काल में थी। यह दासों का शौकीन था, यह दासों का शौकीन था, इनका लालन पालन किया करता था, का लालन पालन किया करता था। ठीक है, दास रखने का शौकीन, दासों का शौकीन था, यानी कि दास रखने माना जाता है भली। फिरोज तुगलक को दास रखने का 80,000 दास शासन का या इसके राज दरबार के आसपास हुआ करते थे। 180,000 दास हुआ करते थे, दासों का शौकीन माना जाता है। क्या माना जाता है, ये दासों का शौकीन माना जाता है। कौन माना जाता है भाई, फिरोज तुगलक। ठीक है, विशेष रूप से रखना है आपको। चलेगा, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो चर्चाएं करने जा रहे हैं दोस्तों। चलिए, इसने दासों की देखभाल के लिए एक विभाग की स्थापना की थी और कहा जाता है दासों की देखभाल के लिए अलग से एक विभाग बना दिया था
दीवान ए बंदगान कहा जाता। दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने, एफ टी लिख रहा हूँ, फिरोज तुगलक ने दासों की देखभाल के लिए देखभाल के लिए एक विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। भाई दीवान ए बंदगान भाग की स्थापना की जाती है। और ये क्या काम करता था? दासों की देख रेख करने का काम करता था। सारे दास अर्थात इसी के, इनको वेतन देना, इनको खाना पीना रखना, कहाँ भेजना है कहाँ नहीं भेजना है, किस प्रकार से इनको तुम्हें किस प्रकार से प्रयोग किया जाना, अर्थात ये दास रखने का शौकीन था फुल। और कहा जाता है कि दास इसके आसपास ही रहा करते थे। सैन्य पदों पर को वंशानुगत कर दिया गया। इसके द्वारा क्या कर दिया गया भाई? सैन्य पदों को, किसको बात करें? सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? वंशानुगत कर दिया गया। अर्थात कोई भी व्यक्ति मर जाएगा, मर जाने के पश्चात उसके पुत्र को उसका क्या बनाया जाएगा? उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। अर्थात कोई मास्टर है तो उसका बेटा मास्टर ही बनेगा। अर्थात वहां पर सैन्य पदों की बात करें, कोई का बेटा सेनापति है तो फिर उसका वो मरने के बाद उसका बेटा क्या बनेगा? सेनापति। अब सैन्य विभाग में बात कर रहे हैं, सैन्य विभाग के जो स्थायी पद थे उनको वंशानुगत कर दिया गया। और वंशानुगत कर देने के पश्चात कहा जाता है कि इनके चाचा मौसा वाला नहीं कर रहा, वहाँ पर उसकी पीढ़ी वाले आएंगे और वही शासन करेंगे जहाँ पर इस करेंगे। तो उसका इस प्रकार से इनको वंशानुगत कर दिया जाता है। किसके द्वारा कर दिया जाता है? ये कर दिया जाता है फिरोज तुगलक। नेक्स्ट बात करें, इसके द्वारा अपनी आत्मकथा लिखी जाती है। आत्मकथा कहा जाता है कि फतुहात है फिरोज शाही। क्या लिखी जाती है? फतुहात है फिरोज शाही ये आत्मकथा मानी जाती है। और कहा जाता है प्यारे दोस्त कि एक बहुत ही अच्छा शासक हुआ है का दिल्ली सल्तनत। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसके द्वारा क्या करवाया जाता है और बातें करते हैं। इसके द्वारा और भी कई सारे कार्य करवाए जाते हैं। और क्या करवाए जाते हैं? ज्वालामुखी मंदिर का निर्माण करवाया हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर करवाया जाता है? ज्वालामुखी मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। ज्वालामुखी मंदिर के निर्माण के साथ साथ कहा जाता है कलयुग के से टूटे गए, कहा जाता है 1300 ग्रंथों में से कुछ फारसी विद्वानों ने कहा जाता है कि क्या करवाया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, से क्या करवाया था कि अनुवाद करवाया गया था, फारसी में अनुवाद करवा दिया गया था लगभग 1300 ग्रंथों का। इसमें क्या करवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगभग ये जो लूटे जाते थे क्या काले लूटे जाते थे ग्रंथों का इकट्ठा कर लिया गया था। इकट्ठा करने के बाद ये फिरोज का तुगलक उनका फारसी में अनुवाद करवाता है। अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि अनुवाद विभाग की स्थापना भी की थी। और इसने कई सारे विद्वान पंडितों द्वारा या विद्वान पुरोहितों द्वारा की फारसी में अनुवाद करवाने का कार्य किया गया। चलिए और जो बातें करें तो कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया ज्वालामुखी मंदिर का। यहाँ पर देखिए इसका ज्वालामुखी मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था? नगरकोट हिमाचल प्रदेश।
अच्छा हाँ चलिएगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखना का क्या करवाता है वहां से। चलिएगा नेक्स्ट बात करें, तो लूटा गया था भाई, कुल क्या करता, लूटा था, निर्माण नहीं करवा, लूटा गया था, लूटा गया, और उसको जगन्नाथ मंदिर को भी लूटा गया। जगन्नाथपुरी में पड़ता है जगन्नाथ, और इसको तुड़वा भी देता है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर पड़ता है, ये उड़ीसा में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा। और इसको भी क्या था, लूटा था, क्या किया था, लूटा था, और कहा जाता है कि इसके प्रतिमा को समुद्र में भी फेंकवाने का कार्य करता है ये। इसको भी लूट कर उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को या जगन्नाथपुरी मंदिर को, तांबे एवं चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्कों का भारी संख्या में जारी करवाया था ये, क्या तांबे के, और कहा जाता है कि सिक्के बहुत भारी संख्या जारी करवाता है। जारी करवाने के पश्चात प्यारे दोस्तों अलग अलग स्थानों से इसकी जानकारी मिलती है। क्या कहा जाता है, अद्दा कहा जाता था, क्या कहा जाता था, अद्दा कहा जाता था, या विश्व कहा जाता, तांबे या चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता, अद्दा या विश्व कहा जाता है, इसके द्वारा जारी करवाए गए थे तांबे व चांदी के सिक्के। चांदी के ठीक है, इसको अद्दा कहा जाता था और इसको विश्व कहा जाता, क्या कहा जाता था, विश्व कहा जाता, ठीक है। तो ये तांबे के सिक्के और चांदी के सिक्के क्या क्या नाम दिया जाता था, अद्दा और विश्व कहा जाता था। अधिक संख्या में ये निर्माण करवाता है, इनको जारी करवाता है। दिल्ली में कहा जाता है कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाता है, या का कोटला दुर्ग का निर्माण करवाता है, कहां पर, दिल्ली में। दिल्ली में, दिल्ली में कोटला फिरोज शाह या फिरोज शाह कोटला, कोटला दुर्ग का निर्माण, दुर्ग का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया, किसके द्वारा करवाया गया, के द्वारा, फिरोज के द्वारा करवाए जाते हैं। फिरोज तुगलक सारे निर्माण कार्य इसके द्वारा करवाए जाते हैं। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं प्यारे दोस्तों, बजट व्यवस्था के द्वारा लागू की गई थी, की बात करें, बजट व्यवस्था कहा जाता है लागू की गई के द्वारा, लागू फिरोज तुगलक के द्वारा, एफटी के, फिरोज तुगलक के द्वारा बजट व्यवस्था लागू की गई। की मृत्यु की बात करें, तो मृत्यु कब हो जाती है प्यारे दोस्तों, देखिएगा 1388 में, यानी कि सितंबर 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, सितंबर 1388 में, सितंबर 1388 में जाती है। मृत्यु हो जाने के पश्चात प्यारे दोस्तों सियाद्दीन बरनी ने शम्स और सिराज अफीक को संरक्षण दी, या संरक्षण दिया था, ये कहा जाता है कि ये सियाद्दीन है शम्स और शरीफ को क्या दी, शरण दी का कार्य किया था। सारी जानकारियां किसके बारे में, हमें फिरोज तुगलक के बारे में। इसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारी होते हैं जो इस शासन को संभाल नहीं पाते, चलेगा प्यारे दोस्तों, चलिए बेटा आगे बात करते हैं। के बाद जो शासक बनता है कौन बनता है, गयासुद्दीन तुगलक, कौन बनता है भाई, गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड बनता है, 88 से 89 तक शासक रहता है, कौन बनता है, चलिएगा गया दीन तुगलक सेकंड बनता है। ये पहला वाला अलग था, 88 से 89 तक रहता है, 1388 से 1389 तक, कहाँ तक रहता है, 1389 तक रहता है, कोई विशेष कार्य नहीं होता। के बाद जो शासक बनता है प्यारे दोस्तों, के बाद जो शासक बनता है वो बनता है नासिरुद्दीन तुगलक, कौन बनता है, नासिरुद्दीन तुगलक बन जाता है।
और नासिरुद्दीन तुगलक तब्बत से लगाकर 94 तक रहता है। कहाँ तक रहता है? नासिरुद्दीन तुगलक, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन तुगलक, ठीक है, ये 1390 से लेकर 1394 तक शासक रहता है। 1390 से 1394 तक शासक रहता है, बाद शासक बन जाता है नासिरुद्दीन तुगलक। इसके बारे में कोई विशेष जानकारियां हमें प्राप्त नहीं होती और कोई विशेष काम तो ये करवाते ही नहीं है। अलाउद्दीन सिकंदर शाह बनता है 1394 में, कब बनता है? अलाउद्दीन सिकंदर शाह, चलेगा। उसके बाद एक और छोटा सा शासक आ जाता है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। कौन? अलाउद्दीन सिकंदर शाह, कब बना जाता है ये? 1394 में कुछ रहता है। और इसके पश्चात जो शासक बनता है, अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो कहा जाता है 1394 में बनता है, नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शासक बनता है। तेरह सौ चौरानवे से लेकर 1414 तक रहता है और ये अंतिम शासक कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वंश का अंतिम शासक कहलाता है नासिरुद्दीन। तेरह सौ अब्बस से लेकर 1394 से लेकर 1414 तक नासिरुद्दीन अंतिम शासक था। क्या था भाई? यह तुगलक वंश का, वंश का अंतिम शासक था। कौन था भाई? अंतिम शासक था। के समय में 1398, कब? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग, कौन? तैमूर लंग आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण करता है, ठीक है। इसी समय कौन करता है आक्रमण भाई? तैमूर लंग के द्वारा आक्रमण किया जाता है, ये का याद रखना। अब बात करें, तैमूर लंग एक मंगोल शासक था। कहाँ का था ये? मंगोल का शासक था। कहाँ का था? मंगोल, मंगोल शासक था। और मंगोल शासक था तो कहा जाता है कि इस तैमूर लंग के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया था गया था और दिल्ली को लगभग 15 दिनों तक लूटा गया था। कितने दिनों तक लूटा गया था? 15 दिनों तक लूटा गया था। तैमूर लंग के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया और लगभग 15 दिनों तक लूटा गया था, याद रखना। समरकंद पर भी आक्रमण किया जाता है, ये 1369 में यहाँ पर आक्रमण करता है। 1398 में समरकंद पर, कमर कंद, कमर कंद को लूटा, तो लूटा भाई कमर कंद को भी लूटा इसने, किसने? और दिल्ली को 15 दिनों तक समरकंद को लूटा ने, तैमूर लंग ने। ये मंगोल शासक था, आक्रमणकारी था, दिल्ली को कितने दिनों तक? दिल्ली को 15 दिनों तक लूटा, 15 दिनों तक लूटा, कितने दिनों तक? 15 दिनों तक लूटा और दिल्ली को पूरी तरह खजान क्या कर दिया? खाली कर दिया भाई, पूरे पूरे दिल्ली के खजाने खाली कर दिए गए थे तैमूर लंग के द्वारा। काफी लूटपाट मचाई गई थी द्वारा, और कहा जाता है कि 1369 में ये समरकंद लूटता है और दिल्ली को भी लूटता है। इसके पश्चात बात करें कि 1398 में ये बटनेर दुर्ग के ऊपर आक्रमण करता है, और उस समय बटनेर दुर्ग राजस्थान में पड़ता है भाई। बटनेर दुर्ग कहाँ पर? बटनेर दुर्ग
दुर्ग पर भी आक्रमण करता है, ये 1398 में कब करता है भाई, 1398 में करता है। भटनेर दुर्ग कहाँ पर पड़ता है, हनुमानगढ़ जिले, कहाँ पर पड़ता है, हनुमान हनुमानगढ़ जिले, ठीक है, कहाँ पर, राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है भटनेर दुर्ग। इसको लूटता है इस समय कहाँ की, भटनेर, भटनेर की बात करें प्यारे दोस्तों, भटनेर कहाँ पर पड़ता है, हनुमानगढ़, कहाँ पर, हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ कहाँ पर, राजस्थान में, हनुमानगढ़ कहाँ पर प्यारे दोस्तों, राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ में 1300 क्या करता है, 1398 में क्या करता है, ये आक्रमण करता है, क्या करता है, कौन, तैमूर लंग, आक्रमण 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण, तैमूर लंग का आक्रमण, तैमूर लंग का आक्रमण होता है, ठीक है। ये तैमूर लंग यहाँ इस समय यहाँ का शासक कौन था, भटनेर का जो शासक था प्यारे दोस्तों, यहाँ पर भटनेर का शासक कौन था, दुली चंद भाटी, कौन था इस समय, कौन था भाई, दुली चंद भाटी, दुली दुली चंद भाटी था, कौन था इस समय यहाँ का शासक, दुली चंद भाटी। और तैमूर लंग कहा जाता है भटनेर दुर्ग को अपनी आत्मकथा में, भटनेर दुर्ग को तैमूर लंग अपनी आत्मकथा में, आत्म कथा तुजुक ए तैमूरी, तुजुक ए तैमूरी, तुजुक ए तैमूरी में सबसे मजबूत, सबसे मजबूत दुर्ग बताता है, दुर्ग बताता है, ठीक है, किसको बताता है भाई, भटनेर दुर्ग को राजस्थान का सबसे मजबूत दुर्ग कहता है, कौन कहता है, तैमूर लंग कहता है। हनुमानगढ़ भटनेर के ऊपर आक्रमण करता है, कौन करता है भाई, तैमूर लंग के द्वारा किया जाता है। इस समय यहाँ का शासक कौन था, दुलीचंद भाटी था, और ये आपका तुगलक वंश था प्यारे दोस्तों। ये अंतिम शासक की हमने चर्चाएं की, ठीक है, अंतिम शासक के बाद हम, के बाद कहा जाता है सैयद वंश की स्थापना कर दी जाती है, और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सैयद वंश के। आज के बाद फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।